मद्देनजर बागपत जनपद में जिस तरह की व्यवस्थाओं को प्रशासन ने अमली जामा पहनाया हुआ है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। जनपद में पूरे कावड़ मार्ग पर 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जिनका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट पर बनाया गया है। 10 ड्रोन कैमरों से कावड़ मार्ग पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि कावड़ियों के बीच कोई असामाजिक तत्व हरकत ना कर सके। सुरक्षा के लिहाज से कावड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए। कुल 5 कांवड़ रूट बनाए गए हैं, इनमें से एक रूट बड़ी व डाक कांवड़ के लिए निर्धारित किया गया। इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने ऐप भी लॉन्च किया है। हम लोगों ने कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सुविधाएं जो है विभिन्न विभिन्न विभागों की अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती हैं और लोग हर किसी की जानकारी करने के लिए अलग अलग जगह प्रयास करते हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इस बार एक छोटा सा ऐप लॉन्च किया है जिसके अंदर मुख्य रूप से कावड़ मार्ग रूट डाइवर्जेंस कहाँ आपकी हेल्थ सुविधा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किशनपुर बराल पर खड़े हुए हैं और आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपको कोई साथी कोई ऐसी चीज़ जो इसमें आपको स्वास्थ्य विभाग की मदद की आवश्यकता है, आप तत्काल उस ऐप पर जा सकते हैं। वो टच टू क्लिक है, बेसिकली जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आपको तत्काल जो भी लोकेशन आपको देखनी है वहाँ पर पहुँचा देगा और रास्ता भी बताएगा किस प्रकार से क्या रूट है वहाँ तक पहुँचने का। हम लोगों ने कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सुविधाएँ जो है वो कावड़ यात्रा पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और आपको बता दें कांवड़ियों को यात्रा में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसका खास इंतजाम भी किया गया है और कोशिश भी की गई है। इसमें टीम के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने का खाका भी जो है वो तैयार किया गया था।